यह है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में अवैध उत्खनन का मामला उठाया। अपने संशोधन में उन्होंने कोयले के अवैध उत्खनन और काले कारोबार को झारखंड राज्य में आम बात बताई है। इसके साथ ही उन्होंने सीसीएल के विभिन्न जिलों में पदस्थापित अधिकारियों पर मनमाने ढंग से सरकारी क्वार्टर पर कब्जा जमाने की बात कही है। उन्होंने संसद में इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। अवैध कोयला खदान के धंसने के कारण 12 लोग जो है उसमें दब गए हैं, जिसमें 2 लाश अभी तक निकाली गई है। और हमारे झारखंड राज्य का ये रोज का सवाल है सर। मैं जिस एरिया से आता हूँ, चाहे ईसीएल का सवाल हो, चाहे सीसीएल का सवाल हो, चाहे बीसीसीएल का सवाल हो, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सह से वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है कोयले का, कोयले के बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। और उसमें वहाँ की जो राज्य सरकार है वो सीधा सीधा जिम्मेवार है। और इतना ही नहीं, जो सीसीएल है वहाँ रांची में सर, वहाँ जो राज्य प्रशासन के पदाधिकारी हैं, जो अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने जबरदस्ती जो है दबाव डालकर, किस तरह की एनार्की है झारखंड में कि दबाव डालकर उनके क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितने अवैध उत्खनन चाहे ईसीएल में, चाहे ईसीएल में, चाहे बीसीसीएल में, चाहे सीसीएल में हो रहे हैं, उसके लगाम लगाई जाए, उसकी जाँच कराई जाए सीबीआई से। धन्यवाद। में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।